Hello, students, how are you all? Fine? Okay. So, today we are starting the first chapter of 12th standard. Okay. And that name, you know, that electric charge and electric field. Okay. So, electric charges and electric field. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वॉट इज चार्ज वो हमें समझना पड़ेगा वट डू यू मीन बाई चार्ज सी चार्जिस या फिर चार्ज तो ये चार्ज क्या है इलेक्ट्रिक चार्जिस क्या है सो इट्स अ वन काइंड ऑफ क्वांटिटी विच हैव एनर्जी जिस तरह से इलेवेंथ में हम स्टडी करते हैं मासिस के बारे में ओके इन इलेवेंथ स्टैंडर्ड वन इन ग्रेविटेशनल चैप्टर वी अंडरस्टैंड वन मास अनदर मास ये सुनो, द हाई अमाउंट ऑफ मास विच हैव अ अज अमाउंट इन टर्म्स ऑफ के जी एट्रेक्ट अ स्मॉल ऑब्जेक्ट जस्ट लाइक अर्थ एट्रैक्ट मून अर्थ एट्रैक द स्पेन ये सुनो इफ यू फोल्ड डाउन दिस पेन दैट पेन गोज डाउन पेन को अट्रैक्ट करेगा ना क्यों बिकॉज द मास ऑफ पेन इज लेसर देन मास ऑफ दिस अर्थ सो दिस अट्रैक्शन फोर्स इज है बिकॉज ऑफ द मास इज अंडरस्टैंड उसी तरह से द बेजिक पार्टिकल इन दिस यूनिवर्स दैट इज एटम एंड एटम के अंदर क्या रहता है इलेक्ट्रॉन प्रोटोन न्यूट्रॉन दिस आर द एलिमेंट्स आर दर

चार्ज मतलब विच अप्लाई दी विच द एनर्जी जस्ट लाइक नहीं कोई नहीं बोलता ये इसने तो मुझे चार्ज कर दिया ऐसा थॉट मेरे को मिला तो मैं चार्ज अप हो गया ओके व्हेन आई स्लीप एंड वेकअप आई चार्ज अप मुझे एनर्जी मिल गई सो चार्ज इज बेसिकली रिलेटेड टू द एनर्जी फॉर्म चार्ज किससे साथ रिलेट करता है एनर्जी के साथ कि जिसके पास कुछ एनर्जी है कोई फॉर्म है ऐसा नहीं कि मास के पास एनर्जी नहीं मास ऑल्सो हैव सम एनर्जी एंड आई प्रूव इट दैट इज ई इज इक्वेस्ट टू डेल्टा सी स्क्वेयर तो एनर्जी तो uh, इसके पास भी है मास के पास भी है लेकिन वॉट इज द स्पेसिफिक इन दिस चार्ज सो मास जो है ना मास ओनली एट्रैक्ट अनदर मास और मास में कोई डिफरेंट क्वालिटीज नहीं होती है मास सभी मास सेम रहता मास इधर भी मास उधर भी मास उधर भी मास मास का कोई टाइप्स नहीं रहता लेकिन यहाँ चार्ज के टाइप्स रहते हैं चार्ज में कई बार दो ऑब्जेक्ट जिस दोनों के पास चार्ज है तो वो अट्रेक्ट भी करते रिपल भी करते हैं दोनों चीज होती है ग्रेविटेशनल फोर्स में हमने देखा था द ऑब्जेक्ट एट्रैक्ट द अनदर ऑब्जेक्ट दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे इन ऑलवाइज फॉर्म यहां पर ऐसा नहीं है चार्ज थोड़ा सा डिफरेंट है कुछ रेगुलर फिनोमिनाज हम देखते दिस टाइप ऑफ फिनोमिना इज नेचुरली हैपन इन विंटर सीजन व्हाई इन विंटर सीजन दैट आई इलेबरेट विंटर सीजन में आपने देखा होगा इफ यू इफ यू यू नो फोल्ड द कवर और चलो इफ यू फोल्ड द ब्लैंकेट ओके इन विंटर सीजन ब्लैंकेट हम सब यूज uh, करते हैं तो अगर ब्लैंकेट को फोल्ड करते हैं ना तो उसमें से आवाज आती है ओके okay? स्पार्क्स निकल के या फिर ऐसा साउंड सुनाई देगा जैसे स्पार्क हो रहा है ऐसा साउंड दिखेगा आपको फिर अगर आपके ड्राई हेयर है तो ड्राई हेयर में अगर आप कॉम रोटेट करेंगे तो भी आपको पता चलेगा कि वो कॉम के साथ अपने जो हेयर है वो चिपक जाते हैं ऐसा लगता है अट्रैक्ट करते ऐसा लगता है दिस थिंग इज एपन इन अ विंटर सीजन यू ऑल्सो ऑब्जर्व इफ यू टच सम प्लास्टिक इफ यू टच समा दॉडी

ओके okay, आपने ऐसा भी देखा होगा अभी तो विंटर नहीं है लेकिन अगर विंटर सीजन हो तो इफ यू रोटेट पेन ऑन योर हेयर ऑफ बॉडी देन वो हेयर जो है वो अट्रैक्ट कर जाते है ओके okay, ऐसा लगता है कि हेयर जो है वो एट्रैक्ट कर रहे हैं विंटर सीजन यू कैन सी दैट वाइडली सी दैट प्लास्टिक प्लास्टिक या फिर uh, जो ग्लास है उसका पेन अगर आप रब करेंगे ऑन योर स्किन देन स्किन के जो हेयर है वो अट्रैक्ट करते हैं ऐसा आपने देखा होगा Uh, जो हमारे बाल है वो भी अट्रैक्ट होंगे उससे सो वाई दिस इज एपन व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दी ये अट्रैक्शन फोर्स कहाँ से आया इफ़ यू यू नो इफ यू मूव कॉम ऑन योर हेयर ऑन ड्राई हेयर ऑफ़ स्पेसिफिकली क्योंकि अगर वेट हेयर है तो उसमें क्या हो जाता है देखिए विंटर सीजन में ये क्यों पॉसिबल है क्योंकि विंटर सीजन ड्राई होती है। ओके okay? ड्राई uh, क्यों चाहिए ड्राई क्यों होती बिकॉज नो मॉइस्चर है मानसून सीजन में और uh, कुछ कुछ हद तक समर में भी मॉइस्चर्स रहता है लेकिन विंटर सीजन पूरी ड्राई रहती नो मॉइस्चर इज द तो उसी लिए क्या होता कि जो चार्जेस है ना वो फ्लो नहीं करते एयर में अगर किसी के पास चार्ज पड़ा हुआ है तो चार्ज इज अ फ्लो फ्रॉम कंडक्टिंग बॉडी कंडक्टिंग किसको बोलेंगे जो चार्ज को फ्लो कर सकता है जस्ट लाइक टेम्परेचर फ्लो होता है उसी तरह चार्ज भी फ्लो होता है मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर कंडक्टिंग बॉडी वाई दैट बिकॉज वो थर्मल प्रॉपर्टी को मूव करते हैं आई बात समझ में थर्मली कंडक्ट भी होते हैं और इलेक्ट्रिकली कंडक्ट भी होते हैं तो उसी तरह से uh, जो हमारा वॉटर है वॉटर पार्टिकल इट्ज अ वाटर इज अ कंडक्टिंग बॉडी अवर बॉडी इज अ कंडक्टिंग बॉडी तो वो कंडक्टिंग मटेरियल है वाटर। तो अगर मॉइस्चर कंटेंट है एयर में तो स्टैटिक इलेक्ट्रिक कहीं पर भी चार्ज नहीं रहेगा चार्ज कहीं पर भी स्टैटिक नहीं रहेगा स्टैटिक का मतलब क्या होता कि वहीं का वहीं है स्टैटिक, फिक्स वहां पर फिक्स नहीं रहता वो मूव ऑन कर जाता बिकॉज ऑफ द मॉइस्चर कंडीशन सपोज यहाँ पर चार्ज है फील करो कि यहाँ पर चार्ज है दिस इज नॉट अ कंडक्टिंग बॉडी हाँ कंडक्टर के अंदर ऐसा होगा भी नहीं अगर विंटर सीजन में अगर आप कोई मेटल से टच करेंगे तो शायद आपको ये फीलिंग नहीं आएगी लेकिन जो नॉन मेटल्स है जस्ट लाइक यू नो रेशमी वो क्लॉथ हो गया रेशम का जो क्लॉथ बनता है वो हो गया या फिर कॉम हो गया प्लास्टिक का या फिर कोई ग्लास मटेरियल हो गया जो नॉन कंडक्टिंग बॉडी है स्पेशली तो जो नॉन कंडक्टिंग बॉडी है उसके अंदर ये uh, हो सकता है और नॉन कंडक्टिंग बॉडी के अंदर कैसे होता है बिकॉज नॉन कंडक्टिंग बॉडी चार्ज को स्प्रेड नहीं करती बिकॉज कंडक्टिंग नहीं है तो चार्ज जहां है वहीं का वहीं रहेगा सो वेन यू टच देन यू फील द चार्ज बिकॉज वी आर द कंडक्टिंग बॉडी तो इस तरह से होता है समर की सीजन में क्यों नहीं होगा पता चला विंटर के सीजन में क्यों होगा पता चला क्योंकि विंटर सीजन में मॉइस्चर नहीं है और समर और मॉनसून में मॉइस्चर रहता है तो स्टैटिक जो चार्ज यहां पर स्टैटिक मतलब वहां पर है चार्ज फिक्स वो एयर में चला जाएगा बिकॉज ऑफ द मॉइस्चर मॉइस्चर उसको अट्रैक्ट कर लेगा बिकॉज दैट इज कंडक्टिंग बॉडी मॉइस्चर लेकिन विंटर में ऐसा कुछ नहीं होगा ठीक है सो ये बेसिकली चार्ज का आपको आइडिया लाने के लिए आप प्रैक्टिकली घर पे भी कर सकते अगर अभी मॉनसून है तो नहीं कर पाएंगे इन विंटर सीजन यू डेफिनेटली डू दैट अगर आपके पास प्लास्टिक की चेयर है देन uh, अगर आपके पास आपका कोई फ्रेंड है या फिर आपका uh, आपके सिस्टर या फिर ब्रदर है उसको बिठा दीजिए प्लास्टिक की चेयर पर एंड टेक वन रेशमी टोवल एंड वो ना इस तरह से रब कीजिए प्लास्टिक पे थोड़ी देर प्लास्टिक पे रब करना ओके sure कि आपका जो फ्रेंड है उसका जो फिट है वो अर्थ के साथ कनेक्ट नहीं होना चाहिए फिट ऊपर लेके आपको रब करना है सिंपली रब द प्लास्टिक सिंपली रब द रेशमी टूअल ऑन प्लास्टिक बॉडी ठीक है so, सो सिल्क का रे, रेशमी समझ में गया ना तो उसके अंदर क्या होगा आ, यू फील दैट इफ यू टच यूर फ्रेंड देन यू फील द शॉक तो वो कहां से आया वन यू रब वेन यू रब दिल्क टॉवेल देन द चार्जेज इज ट्रांसफर फ्रॉम टॉवेल टू द प्लास्टिक बॉडी और प्लास्टिक बॉडी के अंदर चार्ज जो है वो वहां पर डेवलप हो गए उसको बोलते हैं इंस्पायर्ड चार्ज ठीक है इंस्पायर्ड चार्ज या कंडक्टिंग चार्ज बोले कंडक्टिंग चार्ज नहीं होते वो कहीं पर मूव नहीं होते इंस्पायर्ड चार्ज ठीक है तो वहां पर चार्ज रहते हैं एंड वेन यू टच यू फील द शॉक तो उसको बोलेंगे स्टेटिक चार्ज क्या बोलेंगे स्टैटिक वहां पर स्टिल है और उससे रिलेटेड जो भी हम साइंस पढ़ते हैं जो भी हम फिजिक्स पढ़ते हैं दैट इज एज स्टेटिक इलेक्ट्रिसिटी स्टेटिक इलेक्ट्रॉनिक्स ओके या स्टेटिक इलेक्ट्रिसिटी दो भी बात बोल सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी इज नथिंग बट नो ऑफ चार्ज वो कंडक्टिंग है लेकिन स्टैटिक इलेक्ट्रिक्स ऐसी होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड एक होता है कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी जो तो हमें पता है कंडक्टिंग होता है या करंट इलेक्ट्रिसिटी होता है वो भी हम थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी ओके दिस इज द थर्ड चैप्टर ऑफ और सिलेबस तो उसका कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी क्या वो तो हमें पता हम मोबाइल चार्ज करते हैं टी वी चलाते फैन चलता है ऐसे चलता तो ये सारा कुछ जो चीज़ है वो uh, किस के चल से वो कंडक्टिंग है ओके दैट इज द इलेक्ट्रिसिटी इज नथिंग बट द फ्लो ऑफ चार्ज तो उसको करंट बोलेंगे तो करंट की वजह से सारा कुछ चलता है वो हम थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे लेकिन इन फर्स्ट चैप्टर वी फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर में हम अंडरस्टैंड करेंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी देखिए आजकल इलेक्ट्रिक एनर्जी ऐसी चीज है ना जो सारे कुछ एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है और इलेक्ट्रिसिटी द करंट क्या है वो समझ में चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज क्या है उसका फील्ड क्या है वो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं अंडरस्टैंड फोर्स भी पढ़ेंगे ये सारे कुछ बात है तो चार्जेस के बारे में अगर थोड़ा बहुत नॉलेज हम देखें तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट uh, इलेक्ट्रिसिटी इस तरह से दो ब्रांचेज है फिजिक्स की ठीक है uh, या फोरेंगे हमारी इलेक्ट्रिसिटी की दो ब्रांचेज है स्टैटिक में समझ गए तो चार्ज जो है वो स्टेट रहता है उसकी प्रॉपर्टी हम देखेंगे एंड उसमें फ्लो करता है ये द चार्ज इज नॉट फ्लोइंग मतलब चार्ज स्टेडी कंडीशन में है स्टेडी कंडीशन में ओके नो फ्लो ऑफ चार्ज नो फ्लो ऑफ चार्ज एंड यहां पर फ्लो ऑफ चार्ज होता है फ्लो ऑफ चार्ज होता है एंड फ्लो ऑफ चार्ज उसी को बोलते हैं हम करंट ओके करंट क्या फ्लो ऑफ चार्ज दैट इज इलेक्ट्रिक करंट अगर फ्लो ऑफ वॉटर है तो उसको बोलेंगे वॉटर करंट ठीक है अगर इफ यू अंडरस्टैंड जियोग्राफी तो जियोग्राफी में एक पोर्शन आता है अगर आपने पढ़ा होगा टेंथ स्टैंडर्ड में या लोअर स्टैंडर्ड में तो जियोग्राफी में कहता है कि आ, इन आ ओशन जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल इन इंडियन ओशन तो श्रीलंका के बाद जो पोर्शन आता है वहाँ पर ये आ, मतलब करंट आते हैं ओके वेर द एक्वाटिक डायोफिशी जहाँ पर करंट कैसा रहता है वाटर करंट बोलते हैं उसको जहां पर मतलब एरिया स्पेस ज्यादा नहीं है और छोटी जगह में से अगर पानी निकलना चाह रहा है तो वहां पर करंट क्रिएट होता है बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चर भी हो सकता है तो दैट इज वाटर करंट और यहां पर जो है दैट इज चार्ज करंट अंडरस्टैंड समझ में आ गई बात सबको ठीक है सो so, दो टाइप के तरह के स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी करंट इलेक्ट्रिसिटी चार्ज क्यों पढ़ना इंपॉर्टेंट है समझ में आ गया चार्ज क्या है वो समझ में आ गया हो सकता है कोई अलग बात है लेकिन जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे उसी तरह आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आता जाएगा तो चार्ज आप एक टाइप ऑफ वन काइंड ऑफ एनर्जी बोल सकते हैं दैट इज रिलेटेड टू एनर्जी वैसे तो सारी कुछ एनर्जी है ओके जस्ट लाइक निकोला टेस्ला टेस्टला दैट इफ यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड दिस नेचर देन थिंक अबाउट दी वाइब्रेशन एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी सो ये सारी कुछ चीज है स्टेटिक इलेक्ट्रिसिटी के अंदर इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले तो चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे चार्ज के टाइप्स क्या है तो टाइप ऑफ चार्जेस देखिए मास में ऐसा नहीं हुआ था टाइप ऑफ मास पढ़ा वी ओनली अंडरस्टैंड टाइप ऑफ चार्जेस तो टाइप ऑफ चार्जेस क्या है तो अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ चार्ज नेचर ऑफ चार्ज वी टेक अ टाइप ऑफ चार्जेस तो उसके अंदर दो टाइप है टाइप वन इज पॉजिटिव चार्जेस हो सकते हैं मतलब यह क्या है कि पॉजिटिव नेगेटिव तो टर्म हमने लिखा है ऐसा होता नहीं कि हाँ ये पॉजिटिव है किसी के ऊपर लिखा नहीं होता दिस इज पॉजिटिव किसी के ऊपर लिखा नहीं होता दिस इज नेगेटिव बट अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ दार्ज वी क्रिएटेड टू सेपरेशन This is positive, this is negative. Positive का मतलब यह नहीं कि अच्छा है नेगेटिव का मतलब ये नहीं बुरा है. Not in that sense, okay? जो सोसाइटी के लिए पॉजिटिव नेगेटिव है वो सेंस में यहां पर बात नहीं हो रही यहां पर बात यह हो रही है कि दो चार्जेज ऐसे होते हैं सपोज यहां पर क्यू वन है चार्ज इज बेसिकली उसका जो सिंबोल है यह टाइप्स हो गया फिर यहां पर मैं सिंबोल लिख देता हूं सिंबॉल ऑफ चार्ज रिप्रोजेंट बाई कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू ठीक है एंड अगर अलग क्वांटिटी है तो उसका कुछ यूनिट भी होगा यस yes, उसका यूनिट है उसका यूनिट जो है वो है कुलम कुलम साइंटिस्ट थे उसने द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस वो एक्सप्लेन किया तो उसके ओनर में हम कुलम सी से रिप्रेजेंट करते हैं उसका यूनिट ओके okay? दूसरा यूनिट इलेक्ट्रिसिटी से आता है जो इलेक्ट्रिसिटी पड़ेंगे तब देखेंगे इसका डायमेंशन भी बन सकता है इलेक्ट्रिसिटी देखिए फ्लो ऑफ चार्ज उसको बोलेंगे करंट बताई देता हूँ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रिसिटी इज रिप्रेजेंट बाई आई एंड आई इज इक्व टू सॉरी आई इन टू क्यू अगर यहां पर क्यू को सब्जेक्ट करेंगे तो Q इज नथिंग बट आई इंटी हो जाएगा तो यहां से इसका डायमेंशन निकल के आएगा डायमेंशन ऑफ चार्ज फॉर्मूला से डायमेंशन निकल के आता है डायमेंशन ऑफ चार्ज क्या होगा देखिए यहां पर मास है नहीं है तो मास का जीरो लेंथ यहां पर है नहीं है तो लेंथ का भी जीरो टाइम यहां पर है यस टाइम इज देय सो वो हो जाएगा T1 तो दूसरी कौन सी क्वांटिटी है करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी

या किसी के ऊपर लिखा थोड़ी होता है अगर किसी का नाम है सपोज किसी का नाम राम है ओके तो उसके फेस पे थोड़ी लिखा रहता धी राम आर एम ए आर ऐसा कुछ राम लिखा तो नहीं होता अगर किसी का श्याम नाम है तो एस एच वाई ए एम ऐसा लिखा तो नहीं होता ना फेस पे वो क्या आता है था? वो अकॉर्डिंग टू आर नॉलेज होता कि फैक्टराइजेशन के लिए क्लासिफिकेशन के लिए हम नाम दे देंगे यहाँ इसका नाम ये है इसका नाम ये है अकॉर्डिंग टू आर पर्पज लेकिन ऑब्जेक्ट को पता ही नहीं उसका नाम क्या है इलेक्ट्रॉन को थोड़ी पता कि मेरा नाम इलेक्ट्रॉन है आई बात समझे इलेक्ट्रॉन इज एक्चुअली एग्जिस्टिंग इन दिस यूनिवर्स लेकिन उसको पता नहीं कि उसका नाम इलेक्ट्रॉन है वो तो हमारी कन्वीनियंस के लिए हमने उसका नाम इलेक्ट्रॉन दे दिया वो तो कुछ और भी हो सकता है उस, उसको तो पता ही नहीं हम उसका नाम क्या है ठीक है वो चीज है सो बेसिकली नेचर नेचर कैसे पता चलता है कि ऑब्जेक्ट uh, मैंने बोला ना मासिस ऐसे है कि एक मास दूसरे मास को अट्रैक करता है उसमें एट्रैक्शन फोर्स फील होता है और यू कैन ऑब्जर्व दैट अगर ये पेन को फेल करेंगे तो अर्थ की ओर आएगा बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ फॉर्स तो मासिस के अंदर ये है कि वो सिर्फ अट्रैक्शन होता है उसमें रिपल्सन नहीं है लेकिन चार्जिस में जब ऑब्जर्वेशन किया गया तो पता चला कि चार्जिस में ऐसा होता है कि कई बार एट्रैक्शन भी होता है कई बार रिपल्सन भी होता है तो ये दो तरह के कैरेक्टर को जस्टिफाई करने के लिए दो तरह के कैरेक्टर जो है दो तरह के जो नेचर है उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने ये दो पार्ट बना पॉजिटिव चार्ज और दिस इज द नेगेटिव चार्ज ठीक है तो इस तरह से कैरेक्टराइजेशन हमने किया है सो दिस इज द ऑल अबाउट द आइडिया ऑफ चार्ज द टाइप ऑफ ब्रांचेस वी अंडरस्टैंड दिस चैप्टर सिंबल ऑफ चार्जेस टाइप ऑफ चार्जेस यूनिट एंड उसका डायमेंशन uh, वगैरह हो गया ठीक है सो ये सारी जो चीज़ है वो हम चैप्टर में पढ़ने वाले फिर इसके अलावा प्रैक्टिकल जो मैंने आपको एस्पेक्ट बताया अगर आप यूज़ करना चाहे तो कर भी सकते हैं यू कैन टेक अ सिल्क टावर टॉवल सॉरी सिल्क टॉवल ले लीजिए एंड यू कैन रब द प्लास्टिक मटीरियल प्लास्टिक की कोई स्टिक है उसको रब कीजिए उसके बाद ग्लास की रब से uh, उस, रब करके उसको uh, फील कीजिए एंड देन आफ्टर अगर जो पेजेस है उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दीजिए ओके द स्मॉल पार्ट्स ऑफ पेज एंड उसके पास अगर वो स्टिक ले जाएंगे ना आइधर प्लास्टिक स्टिक और इधर ग्लास स्टिक तो स्टिक पे वो पेजेस जो है वो चिपक जाएंगे वो एट्रैक्ट कर जाएगा तो वो एनर्जी कहाँ से निकल के आई उसके पास ऐसा अट्रैक्शन वाला कोई फोर्स तो था नहीं फिर वो छोटे टुकड़े क्यों अट्रैक्ट कर रहे हैं

प्रोटोन तो अंदर वाउंड है इलेक्ट्रॉन रोटेट होता है बाहर की तरफ होता है इलेक्ट्रॉन तो जब आप रब करते हैं ना किसी चीज को रब करते हैं तो उसके अंदर जो मोलिकूल है वो डिस्टर्ब होते हैं ओके okay? तो समटाइम्स वो एक लाइन में आ जाता है एंड दैट क्रिएट अ चार्ज दैट क्रिएट एनर्जी बिकॉज देखिए वी नो दैट एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट इज नाइदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉइड ओनली ट्रांसफर इन फॉर्म टू अनदर फॉर्म तो उसका मतलब ये हुआ कि इफ यू रब दिस तो रब करने के लिए इस इस तरह से फ्रिक्शन करने के लिए आपको कुछ एनर्जी तो चाहिए कि नहीं ये सुनो तो यू अप्लाइड दिस एनर्जी तो आपने यहां पर एनर्जी इस तरह से अप्लाई करी तो एनर्जी कहां गई क्वेश्चन तो होना चाहिए ना इफ यू अप्लाइड फोर्स ऑन दैट तो आप आपका फोर्स के लिए आपको कुछ एनर्जी चाहिए वो एनर्जी आपने इसमें अप्लाई कर दी तो एनर्जी कहां चली गई आई एम श्योर दैट वी नो दैट वो कन्वर्ट हो जाएगी सुनो yes no? वो कन्वर्ट हो जाएगी बिकॉज एनर्जी इज एनर्जीबल कन्वर्ट इन वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म तो अनदर फॉर्म में कन्वर्ट होगी लेकिन एनर्जी तो होगी वहां पर तो उसी तरह से है कि जब आप जो सिल्क टॉवल होता है उस पर जब आप ग्लास ट्यूब या फिर प्लास्टिक की ट्यूब जब रब करेंगे देन बिकॉज ऑफ दैट फ्रिक्शन सम ऑफ द चार्जेस कम ऑन प्लास्टिक एंड सम ऑफ द चार्जेस कम ऑन दैट सिल्क टॉवल बिकॉज ऑफ द अपलाइड फोर्स ठीक है तो जो एनर्जी थी वो एनर्जी चार्जेस में चली गई तो एनर्जी आ गई आई में, तो इस तरह से एनर्जी चलती रहती है टोटल एनर्जी एनर्जी होती रहती है, तो बस तो ये चीज है तो आज हमने जो पढ़ा वो ये था आगे इसके अंदर थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे आप फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ लीजिए देन आफ्टर उसके जो एक्सरसाइजेस है एक्सरसाइजेज मतलब जो ये वाली जो रब करने वाली सिल्क टॉवल वाली या फिर प्लास्टिक बैग वाली वो आप देख लीजिए एंड देन आफ्टर वी सी द नेक्स्ट थियरी दैट इज इलेक्ट्रोस्कोप की अगर कहीं पर भी चार्ज है तो चार्ज पता कैसे लगे कि वो चार्ज है ओके okay? पता तो चलना जाए चार्ज दिखता तो नहीं है आज तक किसी ने इलेक्ट्रॉन को नहीं देखा और इलेक्ट्रॉन के ऊपर पूरी पूरी थीसिस लिख चुकी है पूरी इंडस्ट्री चलती है पूरा हमारा ये ग्लोबल इन्वायरमेंट जो है वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चलता है लेकिन आज तक इलेक्ट्रॉन को किसी ने नहीं देखा अगर आपको दिख जाए तो मेरे को बता देना लेकिन इलेक्ट्रॉन को आज तक किसी ने नहीं देखा लेकिन उसके ऊपर हम पढ़े जा रहे हैं पढ़े जा रहे हैं पढ़े जा रहे हैं क्यों क्योंकि दैट इज द एनर्जी एनर्जी ऐसा नहीं कि दिखती है नहीं दिखती फिर भी एनर्जी तो होती है उसी तरह से इलेक्ट्रॉन है नहीं दिखता लेकिन है ठीक है तो वो बात करेंगे सो इफ यू वॉन्ट टू नोट डाउन दिस देन यू कैन अदरवाइज नेक्स्ट टाइम वी मूव ऑन